हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस इज सीआरटी और आज शुरू करेंगे अपना 29 डेज लेफ्ट का एएफएम। चलिए, तो कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? आप लोगों को पता है, आप लोगों को बूस्ट करने के लिए हम लोग ने आपके लिए सीरीज चालू करी थी। कल हमने 30 डेज देखा था और अब आपके एग्जाम के लिए 29 डेज लेफ्ट है। तो यहाँ पे आज हम लोग दोबारा मिल चुके हैं। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि मॉड्यूल डी हम आज क्वेश्चन आंसर्स दोबारा से करेंगे। मॉड्यूल डी की बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत टाइम हो जाता है, मॉड्यूल डी लगता है बहुत ईजी हो जाएगा, पर बाद में जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तो आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत होने लगता है। करेक्ट। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करने के पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो अब अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं, जो आई बी 2024 का एग्जाम, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आता हुआ क्वेश्चन हमसे रह जाता है, क्यों? क्योंकि पढ़ा तो है हमने सब कुछ, उसमें नो डाउट। आपने मेहनत भी 100% करी है, बट मेहनत जब तक राइट ट्रैक में ना होना, तब तक उससे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, थोड़ा थ्योरी मिक्स रहेगा। दोबारा आप लोग को बता दूं कि आप लोग जैसे ही बैठते हैं एएफएम करने, अपने साथ कैलकुलेटर लेके जरूर बैठा करिए। जो भी आप एग्जाम में लेके जाने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठा करिए, ताकि आप लोगों की स्पीड इस पे जम जाए। करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। देखिए, आपके जो बुक्स पे जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दिया है या जो थ्योरी दी है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे इवन जो एग्जांपल्स भी पूछे जा रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है पूरा आपके बुक का जो IIBF ने दिया है, उसी के बेस पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। आइए बताइए, ऑप्शन ए है ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर। बी है शिप बिल्डिंग, रिपेयर शॉप्स, ऑटोमोबाइल गैरेजेस। सी है नन ऑफ द अबव, या फिर डी है टॉय मैन्युफैक्चरिंग। चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन हमारा एग्जांपल ऑफ जॉब कॉस्टिंग, कौन से एग्जांपल को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ जॉब कॉस्टिंग। सब लोग प्लीज आप लोग यहाँ पे रिप्लाई जरूर करिएगा। हमें लगता है कि हमें आ जाएगा, पर मॉड्यूल डी एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा मॉड्यूल है जो ये आपका स्कोरिंग मॉड्यूल है। प्लीज है ना, यहाँ पे आइए बताइए, जॉब कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? जब भी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक काम करने के लिए आए, करेक्ट, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक काम करने के लिए दिया जाए और वो विद इन अपने बाउंड्री में करता है, तो उसे हम कहते हैं जॉब। ठीक है, उसने जॉब, और उसके जब हम निकालते कि कितना पैसा लग रहा है, उसे कहते हैं हम जॉब कॉस्टिंग। अब जैसे आप ब्रेक मेकिंग, माइनिंग, ये सब हमने जब पढ़ा था, तो ये पढ़ा था हमने, करेक्ट, आंसर आना शुरू हो गए। प्लीज आप सब लोग दे, यहाँ पे जो हमने ए ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर, ये हम लोग देखते हैं सिंगल आउटपुट यूनिट में, करेक्ट। बहुत बढ़िया, आप लोग के आंसर ही आपका डिसाइड करेंगे आप कितना अभी आपको और रिविजन करना है। और जैसे आप ये सबने आंसर देना शुरू कर दिया है, इट्स ऑप्शन बी, शिप बिल्डिंग, रिपेयर शॉप्स, ऑटोमोबाइल गैरेजेस, ये सारे ऑप्शन होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं ऑफ जॉब कॉस्टिंग के। आइए बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। आइए बताइए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स, वेयर इज डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस। बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन इज हायर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सी, डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी रिग्रेसिव। डी, नन ऑफ द अबव। अगर आपने देखिए, ये आपको डिफ्रेंसिएशन पूछा जा रहा है यहाँ पे बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमें बहुत ज़रूरी है। हमको वहाँ लगता है छोटे छोटे पॉइंट है, हमें समझ आ रहा है, बट एग्जाम में आपको उसी का लंबा थ्योरी बना के दे दिया। बताइए, यहाँ पे हमें डिफरेंस पूछा गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बीच में, विच इज द राइट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर्स भी आने शुरू हो गए। चलिए देखते हैं कि पहले कौन सा गलत ऑप्शन है, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आते हैं ए ऑप्शन में कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जीएसटी।
नाम में ही बोला गया है गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगाना, तो यहाँ पे इनकम और प्रॉफिट कहाँ से बात आ रही है, तो ये वाला पॉइंट तो गलत है। उसके बाद इवन बताया जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो इम्पोज कहाँ होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। हमने ये पढ़ा था क्या? नहीं, ये दोनों पॉइंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं, करेक्ट, ये दोनों पॉइंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं, मतलब ये वाला आंसर हमारा गलत है। आइए सेकंड में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन इज हायर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने एक ऑप्शन देखा था कि जब हमारे इंटरमीडियरीज जो होते हैं बीच में, होलसेलर या पे रिटेलर या पे कस्टमर, जब इनसे गुड्स ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे वो जो टैक्स है उसका बर्डन भी ट्रांसफर होता है। हर कोई यहाँ पे रिटर्न फाइल करता है गवर्नमेंट के पास जाके, करेक्ट, तो यहाँ पे चोरी करने के चांसेस हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कम हो जाते हैं। तो ये अपोजिट दिया हुआ है, टैक्स इवेजन मतलब चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, यहाँ पे उसका ऑप्शन कम हो जाता है। और देख लेते सी, नहीं तो ऑप्शन डी तो हमारे पास है ही। डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, करेक्ट, जितनी ज्यादा इनकम उतना टैक्स, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं। वही इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बताया जाता है, सबको इक्वली इनकम लगेगी, सबको इक्वल टैक्स लगेगा, इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए, बहुत बढ़िया, सबने आंसर सही दिया था यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द टैक्सेशन फ्रेमवर्क अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी सिस्टम इन इंडिया। बताइए, सेंट्रल जीएसटी सोलेली लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर ट्रांजैक्शंस विद इन अ सिंगल स्टेट, या फिर जो आईजीएसटी है वो इम्पोज होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस, या यूजीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांजैक्शंस विद इन यूनियन टेरिटरीज ओनली, या डी सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे आप लोगों को जो जीएसटी है उस यूनिट से पूछा जा रहा है कितने टाइप की, तो जीएसटी हम पढ़ते हैं उसमें किस चीज में कौन सा टैक्स लगेगा, ध्यान से दीजिएगा आंसर। सबसे पहले पूछा जा रहा है सीजीएसटी, सीजीएसटी क्या स्टेट चार्ज करती है, सीजीएसटी में जो सी है उसका मतलब ही क्या है, सेंट्रल, तो क्या वो केवल स्टेट चार्ज करती है, तो यहाँ पे इसका आंसर तो गलत है। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं ए है तो ये तो गलत है। आइए सेकंड पे चलते हैं, कि इंटीग्रेटेड जीएसटी इज इम्पोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस, क्या जो हमारे आईजीएसटी है जब भी हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो ये दो लाइन तो सही है, बट ये चार्ज कौन करती है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, करेक्ट। उसके बाद बात आती है कि देखते हैं डी वाला, कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस, क्या ऐसा किया जाता है, जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है ये क्या हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस में जाते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस मतलब दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, इंटर स्टेट मतलब दो अलग स्टेट्स की बात हो रही है, तो जब भी दो अलग स्टेट्स की बात होती है तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि आप लोग लड़िएगा मत, हम पैसा लेके जा रहे हैं, हम पैसा लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम केवल क्या चार्ज करते हैं, आईजीएसटी, ना कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। अब बचता है केवल ऑप्शन सी, पर एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जरूर, क्या लिखा है कि यूनियन जीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शंस विद इन यूनियन टेरिटरीज ओनली, बिल्कुल करेक्ट, हमने पढ़ा था कितने टाइप की यूनियन टेरिटरीज होती है, अगर उनसे ही उनको ट्रांसफर हो रहा है, विद इन द स्टेट हो रहा है, तब जाके हमें यूजीएसटी लगता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है केवल और केवल यूजीएसटी, दैट इज ऑप्शन सी। किसमें सर आप कह रहे हैं, चलिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि विच रिटर्न फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड मंथली बाय रजिस्टर्ड पर्सन्स
विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर किसी का भी टर्नओवर है तो उन्हें मंथली यहां से कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है? मंथली बात करी जा रही, मंथली आपको इसमें से कौन सा रिटर्न भरना पड़ता है बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है GSTR 4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3B, ऑप्शन सी दिया हुआ है 9, या डी नन ऑफ द अबव। बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं और इसका राइट आंसर है आप लोगों का GSTR 3B। यहाँ पे आपको जो हर महीने फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास आपका GST रिटर्न, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1.5 करोड़, तो वो है आपका GSTR 3B। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाउ इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ GST इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेगुलेशंस इन इंडिया? यहाँ पे हमने कल इसको सॉल्व किया था, एक बार आप लोग को याद होगा, अगर कल का आपने सेशन देखा होगा तो वहां पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, आप लोग रेट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो उसी में इसका एक थ्योरी क्वेश्चन कि अगर थ्योरी में आता है तो कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा। चलिए बताइए, यहाँ पे कल हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखा और आज हम इसका एक थ्योरी भी देख रहे हैं, क्योंकि कल आप लोग के आंसर्स में जल्दी से रिप्लाई नहीं आया था। बताइए क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ GST? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 12% पर एनम। क्या ऐसा 12% पर एनम हम कुछ पढ़ते हैं, या फिर जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है एट अ वेरिएबल रेट, कोई वेरिएबल रेट पे कैलकुलेट करते हैं क्या, जो कि डिटरमाइंड होता है बाय द गवर्नमेंट क्वार्टरली फ्रॉम द ड्यू डेट? ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद सी में आया कि फिक्स रेट कैलकुलेट होता है 18% पर एनम फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न अंटिल द डेट ऑफ पेमेंट, या फिर जो इंटरेस्ट है ऐसा कुछ चार्ज ही नहीं होता है चाहे आप रिटर्न फाइल करिए या ना करिए। तो ये आंसर तो डायरेक्टली गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट अपने पैसे कभी भी माफ नहीं करेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वेरिएबल रेट जैसा हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्या ये 12% है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे अब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर आता है सी, 18% पर एनम हमें चार्ज करना पड़ता है फ्रॉम द नेक्स्ट डे, जिस मंथ की भी ड्यू डेट है, अगर वहां तक उसने रिटर्न हमारे जो सप्लायर ने फाइल नहीं किया है उसके नेक्स्ट डे से हम कब तक कर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जब तक वो पे नहीं कर देता है, करेक्ट। यहाँ पे हमको 18% पर एनम करना पड़ता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर सी है, अ कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे इट्स वर्कर्स। चलिए सब लोग कैलकुलेटर आप लोग ले लीजिएगा हाथ में, सॉल्व करना है हमें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, प्लीज आइए सब लोग पढ़ेंगे एक साथ। अ कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे इट्स वर्कर्स 40 पर आवर, बट ड्यू टू अ सडन इंक्रीज इन वेजेस इट एंडेड अप पेइंग 65 पर आवर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। इफ द एक्चुअल आवर्स वर्क वर द सेम एज द स्टैंडर्ड आवर्स, वॉट इज द लेबर रेट वेरियंस फॉर द कंपनी? ये दोबारा से आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, बट इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट। ये एक हमारी कंपनी है जहां पे हमने जब पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो वहां एक होता है स्टैंडर्ड और एक बात की जाती है एक्चुअल की,
अगर आप लोग सॉल्व करें तो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा, पर मैं आपको थोड़ा बताना शुरू कर रही हूँ जिनको थोड़ा डाउट आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि काम शुरू करने के पहले हम एक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं कि आखिर हमें क्या करना है, उसको हम कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल कि आफ्टर एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस आई है। जो इसका डिफरेंस होता है वो होता है वेरियंस, करेक्ट, वेरियंस जो हमारा डिफरेंस है कि क्या चेंजेस हो चुके हैं उसे हम कहते हैं वेरियंस। अब बात आती है कि यहां पे जब बात करेंगे लेबर्स की, तो क्वेश्चन में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि लेबर से हमने वादा किया था कि आपको हम 40 पर आवर पे करेंगे। एक्सपेक्टेड मतलब क्या, काम शुरू करने के पहले ही हमने सोचा था 40 पर आवर में हमारे यहाँ लेबर वर्क करके चला जाएगा, करेक्ट, 40 पर आवर में काम करके चला जाएगा। बट जब एकदम से हम मार्केट पे गए तो पता चला कि जो भी लेबर्स हैं वो कम रेट पे आ ही नहीं रहे, वो लोग मिनिमम डिमांड कर रहे हैं 65 पर आर काम डिमांड कर रहे हैं, बट वो जो काम है वो 12 आवर्स में ही करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आवर्स तो सेम लेंगे बट उनका रेट बढ़ चुका है। तो यहाँ पे डिफरेंस किस में आने वाला है, डिफरेंस हमें आने वाला है ये रुपीज में, ये रुपीज में। कैसे यहाँ पे डिफरेंस आएगा, आइए कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपका एक्चुअल रेट है माइनस स्टैंडर्ड रेट, इसको इंटू करना पड़ेगा हमारे जो भी हमारा एक्चुअल आवर्स है, करेक्ट। यहाँ पे तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, इसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल रेट इंटू हमारे स्टैंडर्ड आवर्स से जाके। हमारे एक्चुअल आवर्स बताइए, एक्चुअल रेट हमने कितना सोचा था, हम दे देंगे उन्हें 65, स्टैंडर्ड रेट हमने उनको कितना दिया 65, हमने कितना सोचा था 40, कितनी देर उन्होंने काम किया है टोटल 12 आवर्स, तो कितना हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया उनको ₹300। बताइए ये फेवरेबल हुआ कि ये अनफेवरेबल हुआ, ये फेवरेबल हुआ कि ये अनफेवरेबल हुआ। यहाँ पे हमने लेबर से सोचा था वो ₹40 पर आवर में काम कर देगा, बट जब काम करना शुरू किया तो पता चला 65 में कर रहा है, तो ये कंडीशन कैसी हुई, इट्स अ फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये कंपनी के हित में हुआ है कि कंपनी को यहाँ पे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, बताइए इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन और इट्स अ अनफेवरेबल सिचुएशन। यहां कंपनी के हित में काम हो रहा है या फिर यहां पे अगेंस्ट में काम हो रहा है, यहां पे कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है ₹300 का, बिकॉज सेम लेबर अब हमें महंगे रेट पे आ रहा है, तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा 300 अनफेवरेबल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं विच टेक्निक इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग आइडेंटिफाइंग सिंप्लीफाइंग एंड क्रिस्टलाइजिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ जॉब टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जॉब एंड वाइडली यूज्ड इन द गवर्नमेंट एजेंसीज। बताइए यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज में हम लोग ये परफॉर्मेंस को यूज करते हैं, तो कौन सा यहाँ पे बजटिंग की बात करी जा रही है, कौन से बजटिंग की बात करी जा रही है, जीरो बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग या नन ऑफ द अबाव। बताइए यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, इट्स अ जीरो बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग। बहुत बढ़िया, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं और जो आंसर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जीरो बेस बजटिंग मतलब पहले का हम लोग कुछ भी लेके नहीं आने वाले, ठीक है, और वहीं अगर आप बात करेंगे प्रोग्राम बजटिंग, तो प्रोग्राम बजटिंग कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए हम तैयार करते हैं,
ठीक है, हमने लिया था, जब नॉर्मल क्लासेस हम लोग रेगुलर क्लासेस में हमने पढ़ा था तो वहां पे लिया था हमने एग्जांपल, जब भी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिकली जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम बजटिंग। और यहाँ पे हमको विथ एग्जाम्पल बताया गया कि ये जो काम हो रहा है ये जनरली हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का परफॉर्मेंस बजटिंग। चलिए इसके बाद आता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 90 लाख एंड द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹30 लाख, द प्रॉफिट ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क वेयर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इज ₹30 लाख, व्हाट इज द प्रॉफिट टू डेट। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है प्रॉफिट टू डेट। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट टू डेट। चलिए कैलकुलेटर में आप लोग कैलकुलेट करिएगा। ये आप लोग को थोड़ा मैं हिंट देती हूँ कि कहाँ से ये पूछा गया है, यह आप लोगों को पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने देखा था जो भी हमको वर्क दिया गया वो लंबे टाइम के लिए है, एक साल से ज्यादा के लिए है, तो यहाँ पे हमें हर साल जैसे ही एक अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो हमें अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है बुक्स में जाके जो कॉन्ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कैसे कैलकुलेट करेगा उसके बारे में बात करी गई, कैसे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अगर नहीं पता ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए लगता है कॉस्ट इनकर्ड, कितना कॉस्ट हमने अभी तक लगा लिया है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमने कितना सोचा है, इनटू हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये जो हम काम कर रहे हैं, जो ये घर बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, इससे हमने कितना एक्चुअल में प्रॉफिट कमाने का सोच लिया है, ये होता आप लोगों का फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतना है तो जो हमने कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर ली है उस पर हमें कितना प्रॉफिट आएगा, बताइए। आप लोग को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी आप लोग यहाँ पे जल्दी से एग्जाम में कैलकुलेट कर पाएंगे। बताइए क्या कैलकुलेट करके बताएंगे, यहाँ पे कॉस्ट इनकर कितना बताएंगे। अगर हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं तो टोटल कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया हुआ है दैट इज 90, उसी के साथ एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोगों को कितना 30, उसी के बाद हमको दिया हुआ है कि जो वेयर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कितना अभी तक हमने कॉस्ट लगा लिया है दैट इज 30। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 10, ओके 9.99 आएगा आप लोग का, तो ये यहां पे आएगा 10 लैक्स का आज आप अपना प्रॉफिट दिखाने वाले, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर, वो है ये। चलिए आंसर्स आप लोग को देने हैं, बार बार मैंने आप लोग को बोल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रही हूँ कि एज पर द मॉडर्न अप्रोच व्हाट आर द बेसिक कॉर्पोरेट फाइनेंस फंक्शन। चार ऑप्शन है हमें इसमें से सिलेक्ट करना है, ए ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स, फैक्टरिंग, या फिर कमर्शियल पेपर, ठीक है, उसके बाद, या फिर बी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सी कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पेबिलिटी, इंटीग्रिटी, डी कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बताइए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए जितना हम लोग ध्यान देते ना अपने न्यूमेरिकल साइड पे उतना ही ध्यान हमें अपना थ्योरी में भी देना है, ठीक है। आपको ये थ्योरी छोड़ के नहीं जानी है, याद रखिए अगर पेपर टफ आया तो आप पास कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज ओनली, ठीक है। अगर वो मैनेजेबल हो गया आपका पेपर
आपने अच्छा खासा रिवीजन किया है, आपने पूरी क्लासेस हमारे साथ करी हुई है, तो दिक्कत नहीं आएगी. बट इन केस आपको थोड़ा भी पेपर डिफिकल्ट आया, तो हु विल सपोर्ट योर मार्क्स थ्योरीज? चलिए बताइए क्या ऑप्शन लगता है आप लोगों को. ये आप लोगों को, चलिए मैं एक और हिंट दे देती हूँ, ये आप लोगों को मॉड्यूल सी से पूछा गया है. ये क्वेश्चन आप लोगों को मॉड्यूल सी से पूछा गया है. ट्राई करिए, गलत होगा तो होगा. अगर मैं डायरेक्टली आंसर दे दूंगी तो आप लोग ने थोड़ा भी क्या, आपने थोड़ा जो पढ़ा है उसको आप लोग ने रिवाइंड नहीं किया है, तो कोई फायदा नहीं रहेगा रिविजन का. करेक्ट, थोड़ा आप लोग कोशिश करिए कि किससे ये लिंक हो रहा है. हमने ये कुछ कुछ वर्ड्स देखिए, जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, फिनेंस की बात करी गई है, क्या ये फिनेंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था? तो वहाँ पे कुछ फिनेंस फिनेंस से रिलेटेड है. कुछ बेसिक कॉर्पोरेट फंक्शन की बात करी जा रही है, तो कुछ फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना को सोचिए. ठीक है, जितना आप सोचेंगे ना उतना ज़्यादा ईजी होगा आप लोगों के लिए पेपर क्लियर करना. बताइए, कोई बात नहीं, गलत आंसर आएगा तो आने दीजिए. जो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या है, आंसर से ही वो क्वेश्चन बना होगा. ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन तो होगा नहीं. यहाँ पे कुछ ऐसा हिंट तो दिया ही होगा ना क्वेश्चन वाले ने, जिसने फ्रेम किया है, कि उसका आंसर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलने लग जाए. चलिए, आंसर जैसे आ चुका है, एक आंसर आ चुका है ए, तो क्या आप लोगों को भी ए लग रहा है? क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि इसका आंसर ए है या बी है या सी है डी है? जो भी आंसर है, सेकेंड आंसर आ गया है कि सी है. चलिए बताइए, और कोई ट्राई करना चाह रहे हैं आप लोग, और कोई आंसर्स देना चाहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, ये मॉड्यूल सी में, ये मॉड्यूल सी का जो सबसे पहला यूनिट होता है हम लोगों का, ये क्वेश्चन वहां से फ्रेम हुआ है. ठीक है, क्या पूछा गया है? बेसिक कॉर्पोरेट फिनेंस फंक्शन. ठीक है, फंक्शन की बात करिए. आप लोग ने जब ये फिनेंस वर्ड देखा ना, तो आप लोग ने इससे थोड़ा सा कंफ्यूज होके इसलिए आप लोग ने क्या दिया, ए आंसर दिया. ठीक है, और ए आंसर इसलिए दिया कि हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे हम लोग फिनेंस सोर्सेज ऑफ फिनेंस जमा कर सकते हैं, तो आपने वो थोड़ा लिंक करके एक आंसर सोचा, तो आपने ये आंसर दिया. तो ये आंसर नहीं है. ठीक है, बिकॉज ये सारे ट्रेड क्रेडिट पब्लिक डिपॉजिट से जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉर्पोरेट्स है, वो पैसे लेके आती है. ठीक है, तो ये आपने सोचा बहुत बढ़िया, बट ये आंसर अफसोस नहीं है. उसके बाद जैसे ऑप्शन आया है सी, अब सी में जो ये बात करी जा रही है ना, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वेबिलिटी, इंटीग्रिटी, तो ये इसके मॉडर्न टर्म्स में आ जाते हैं. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है इसमें बोला गया है बेसिक, बेसिक क्या है, और जो अगर आपने सी आंसर आपने सोचा है, तो ये इसके मॉडर्न वे में आ जाते हैं, तो आंसर आपका ये भी नहीं है. अगर यहाँ पे मॉडर्न वर्ड आ जाता तो आप लोग का आंसर सी करेक्ट होता. उसके बाद अगर आप ये कॉस्ट ऑफ डेट देख रहे हैं, इक्विटी देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ करी थी, वर्किंग कैपिटल में. करेक्ट, जहाँ पे हम लोगों को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर निकालने को बताया गया था. करेक्ट, जहाँ पे हम लोग ने कैपिटल स्ट्रक्चर में देखा था कैसे हम लोग WACC को अलग अलग वे से कैलकुलेट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ ये सारी चीज़ें, तो आंसर आप लोगों का ये भी नहीं है. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी. हमने क्या यूज़ किया, हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हम क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं, हमने यहाँ पे यूज़ किया एलिमिनेट करना. ठीक है, एलिमिनेट करना. तो यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आंसर है वो है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, एक क्या क्या एलिमिनेट करना शुरू करिएगा, टेंशन मत लीजिए, एलिमिनेट करिए, आंसर्स वैसे ही कम दिखने लगेंगे आपको. आइए, इसका राइट आंसर है बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे बोला गया है अ बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹600 एंड अ कूपन रेट ऑफ 12% इज क्वोटिंग इन द मार्केट ₹480. इट हैज अ मैच्योरिटी ऑफ 5 years. द होल्डर ऑफ दिस बॉन्ड हैज एन एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट ऑफ 30% एंड अ कैपिटल गेन टैक्स रेट ऑफ 15%. कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स वाइटम ऑफ द बॉन्ड. चार ऑप्शन है. यहाँ पे मेन चीज आप लोगों के हाथ में होना चाहिए कैलकुलेटर. ठीक है, जब भी आप लोग AFM पढ़ने बैठते हैं, बार बार मैंने आप लोग से कहा है कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए. करेक्ट, ठीक है सर, एक बार मैं इन्फॉर्म कर दूंगी टीम को. चलिए, आप लोगों के हाथ में अपना ये जो कैलकुलेटर है, जो आप एग्जाम में लेके जाने वाले हैं, वो कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए. उसी के हेल्प से प्लीज़ आप लोग सॉल्व करिए, कोई भी माइंड में मत सॉल्व करिएगा यहाँ पे, बिकॉज हमें यूज़ करना है एक फॉर्मूला.
एग्जाम में हमें यहाँ पे आना चाहिए एक फॉर्मूला, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए, अगर आपको फॉर्मूला भी समझ आ गया है तो प्लीज आप लोग मुझे फॉर्मूला ही बता दीजिएगा। बताइए क्या आंसर है यहाँ पे। क्या यहाँ पे आप फॉर्मूला सोच पा रहे हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने स्पेशली YTM के लिए? YTM के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? बताइए यहाँ पे, क्या आपने फॉर्मूला सोच पाया कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग YTM? बताइए क्या आप लोग ने सोच पाया हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग YTM? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग जब YTM कैलकुलेट करने आते तो क्या आप लोग को याद आ रहा है कुछ हम लोग ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं? कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को कि हम कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं? यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब क्या होता है कि वो बॉन्ड की जितनी भी लाइफ है हमें उसमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। YTM मीन्स व्हाट? इंटरेस्ट, करेक्ट। तो बॉन्ड से हमें टोटल उससे कितनी अर्निंग होने वाली है उसको हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ YTM। बताइए क्या आप लोग को कैलकुलेट करते आ रहा है? बताइए यहाँ पे आंसर, बताइए मुझे यहाँ पे क्या राइट आंसर आ रहा है। बताइए क्या आप लोग ने ये सॉल्व करना शुरू किया, क्या आपने ये फॉर्मूला यूज किया? चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को ना दो मेन फैक्टर देखने, दैट इज मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इनकम टैक्स दिया है एंड कैपिटल गेन टैक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ता है कि अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा टैक्स वगैरह दे दिया जाए तो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। याद रखिए जो आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, जो भी इनकम टैक्स है वो उसमें क्या होगा, उससे आपका जो इंटरेस्ट है उससे वो अमाउंट डिडक्ट होता है। ठीक है, जो यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है बॉन्ड से, इस बॉन्ड से आप लोगों का जो इनकम टैक्स है वो माइनस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए मैं सी कैलकुलेट करके आप लोग को बताती हूँ सी कैसे कैलकुलेट होगा। सी के वैल्यू कितनी है, क्या आप लोग सी के वैल्यू भी बता सकते हैं मुझे? एटलीस्ट केवल सी के वैल्यू बता दीजिए कि कितना आपका कूपन का इंटरेस्ट है, क्या आप लोग यही कैलकुलेट कर पा रहे हैं? बताइए, देखिए अब एक महीने बचा, अब एक महीने पहले आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, है ना, ये मत करिए कि आप लोग को आ ही नहीं रहा है, कुछ तो कैलकुलेट करिए, कहीं तो ये कैलकुलेटर को चलाना शुरू करिए। बताइए सी कितना अमाउंट है, क्या कोई मुझे बता सकता है सी कितने में निकलेगा, कितना अमाउंट है? कुछ आप लोग को आंसर देना चाहिए, अब एक महीने बचे हैं, इस टाइम पे आप लोग को इतना स्लो प्रोसेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आप लोग को ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता है, तो सी भी आपको पता है कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जो इंटरेस्ट है हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 12% हमारा कूपन रेट है, किस पे कैलकुलेट होगा, क्या ये 600 पे होगा कि 480 पे होगा? बताइए 480 पे या 600 पे, यहाँ पे ये 600 पे होगा। ठीक है, तो 600 × 12% दैट इज 72, बट इस 72 में आप लोग देते हैं इनकम टैक्स का इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा -0. तो आपका जो कूपन इंटरेस्ट रेट है वो आफ्टर टैक्स होने वाला है 1 − 0.3 × 72, क्या आप लोग ये कर पा रहे हैं? That is 50.4. यहाँ पे जो कूपन आने वाला है अमाउंट वो है 50.4. ठीक है, वो आपका होगा 50.4. यहाँ पे आप लोगों का अमाउंट 72 नहीं आएगा, इस पे आपको इनकम टैक्स का इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इस पे आप लोग को इनकम टैक्स का इफेक्ट देना पड़ेगा, आफ्टर इनकम टैक्स ही तो आप बता पाएंगे कि कितना आपको उससे रिटर्न आने वाला है। करेक्ट, तभी तो आप बता पाएंगे कि उससे कितना रिटर्न आने वाला है। अगर इसमें इनकम टैक्स जोड़ के आप आंसर देते रहेंगे तो इसमें तो अभी गवर्नमेंट का भी तो पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट तो देके आइए पहले। करेक्ट, जब भी हम जैसे हमारी सैलरी आती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम गवर्नमेंट को अपना टैक्स देके आते हैं, उसके बाद जो भी उधारी उधारी दे लिया हुआ है वो देके आते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट पे आपका ये माइनस होना चाहिए, क्या 1 − t, मतलब टी मतलब टैक्स। चलिए, इसके बाद आप लोगों को एक और पॉइंट दिया, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने इनकम टैक्स भरा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, तो हमने वहां पे एक हेड देखा है, दैट इज
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये वर्ड वही नहीं दिख रहा है, कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स मतलब क्या, हमें जो टैक्स है वो किस पे लगता है, जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट, जो भी हमारा प्रॉफिट है टैक्स हमें उसमें ही देना रहता है। तो यहाँ पे ये जो इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट है अंडर कैपिटल गेन टैक्स, हमें ये भी माइनस करना पड़ेगा। अब ये किस में होगा, क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि हमें प्रॉफिट किस में होगा, हमें प्रॉफिट किस पे होगा, सी पे तो नहीं होने वाला। अब बचता है ये मैच्योरिटी वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू, बताइए इन दोनों में से किस पे आपको प्रॉफिट होने वाला है। जब आप कोई बॉन्ड खरीद के लाते तब प्रॉफिट होता है कि जब आप उसे बेचने जाते हैं तब प्रॉफिट होगा, बताइए एट व्हाट टाइम आपको प्रॉफिट होता है, जब आप उसे परचेस करके लाते हैं तब, या फिर जब आप उसे सेल कर देते हैं जाके तब उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होता है वो होगा आप लोगों का मैच्योरिटी पे, करेक्ट, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग उसको क्या करेंगे, सस्ते में खरीदा और उसके फेस वैल्यू पे रिडीम होता है। वन ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्ड्स कि अगर वो कम पे इशू हुआ था, ठीक है, कम पे वो मार्केट पे लिस्ट हुआ था, तो वो जब तक उसका रिडीम डेट आएगा वो अपनी फेस वैल्यू को टच कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग जिस दिन रिडीम करने जाएंगे आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आप लोग जब रिडीम करने जाएंगे, यहाँ पे आप लोग को एन दिया हुआ था, एक मिनट, यस, आफ्टर 5 ईयर्स की मैच्योरिटी पे, तो आप लोग कितना लेके आएंगे अपने हाथ में, 600। बट उस 600 में आपको अभी टैक्स पे करना है, उस 600 में अभी आपको टैक्स पे करना है, बट टैक्स तो हम प्रॉफिट में करते हैं, तो आपको प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जो आपने परचेस किया था बॉन्ड को कितने में परचेस किया हमने, 8480, कितने में परचेस किया है, 8480। रिडम्पशन कितने में होने वाला है, रिडम्पशन होने वाला है 600 पे, करेक्ट, 600 पे। देखिए ये जो छोटे छोटे थ्योरम्स है ना, ये क्वेश्चन पूरा उससे बना हुआ है, थ्योरम से, छोटे छोटे थ्योरम से ये पूरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। चलिए तो बताइए यहाँ पे कितना इस पे टैक्स लग जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 480 की चीज को आपको 600 आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 120 तो प्रॉफिट हो गया है, करेक्ट, ये आपका कैपिटल गेन हो गया है, ये आपका कैपिटल गेन हो गया। हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था ना, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें आपके कैपिटल गेन में जाती हैं अगर आप इसको खरीदते बेचते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये 120 में अब आपको देना है 15% का टैक्स, दैट इज 18 रुपीज़। 120 का निकालेंगे आप लोग 15%, ठीक है, जो कि होगा 18 रुपीज़। ये भी किसका है, गवर्नमेंट का, करेक्ट। तो 600 आपको नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 582। तो अब आपको क्या बचा है, अब तो सारी चीजें आपके पास आ गई है, सी आ गया है, एमवी आ गया है, बस कैलकुलेट करना बचा है। क्या अभी भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं कैलकुलेट, बताइए क्या अब भी नहीं कर पा रहे कैलकुलेट, अब तो बस आप लोग को कैलकुलेशन बचा है। सी के वैल्यू हमें पता चल गई है, सी के वैल्यू हमें पता चल गई है, सी के वैल्यू है 50.4, करेक्ट। हमें एमवी की वैल्यू पता चल चुकी है, हमें ये एमवी की वैल्यू पता चल चुकी है, पीवी तो पता ही है, ये भी हमें पता है। आइए सब चीज को बस यहाँ पुट करना है, थोड़ा कलर चेंज कर देते ताकि आप लोग को समझ आ जाए कहाँ क्या लिखा है। 582 आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है, आज इसको मार्केट में 480 है, 582 प्लस 480। चलिए आंसर बताइए कितना आ रहा है, आंसर बताइए कितना आ रहा है, बताइए। अभी भी अगर आप कैलकुलेट करने पे नहीं आ पा रहे तो मतलब आपको प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पे सब चीज बता दिया मैंने, चलिए बताइए कितना आ रहा है, 582 माइनस 480 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 5, एन था हम लोग का 5 है ना, नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए कितना होने वाला है, क्या आप लोग मुझे न्यूमरेटर बता पा रहे हैं, न्यूमरेटर आ रहा है आप लोगों का 70.8, क्या इतना आप लोगों का भी आ रहा है। डिनोमिनेटर आने वाला है 582 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट, 531। अब इतना भी कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 531 into 100। कितना आ रहा है, आप लोगों का आंसर आने वाला है
13.33%, ठीक है? आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन है, एक करेक्ट ऑप्शन है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे जो राइट आंसर है आप लोगों का है 13.33%। देखिए, जो मैच्योरिटी की वैल्यू है, जो बॉन्ड होल्डर के हाथ में जो पैसे आने वाले हैं, जो इंटरेस्ट आने वाला है, वो क्या होगा, सब थर्ड पार्टी को देने के बाद देखेंगे ना कि कितना पैसा मिला है। अगर आज आप कुछ इन्वेस्ट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, अगर आप आज शेयर मार्केट में गए, ठीक है, शेयर मार्केट में आपने ज़ेरोधा के साइट से शेयर्स परचेस किए, तो क्या आपने उसमें कुछ ना कुछ पेमेंट नहीं करी? अगर आपको वहां पे 100 का प्रॉफिट हो रहा है या 100 में आप बेच के आ रहे हैं, तो वो 100 में पहले तो ज़ेरोधा वाला अपनी फीस काट लेता है, ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ आपका वहां पे सेलिंग का एक्सपेंसेस आ जाएगा, तो वो सब माइनस करने के बाद अगर आपको इसमें प्रॉफिट होता है, तो अगर आपने इनकम टैक्स अपना रिटर्न भरा है तो वहां पे देखा होगा आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है और उस पर भी आपको टैक्स लग जाता है, करेक्ट? वो सब करने के बाद ही तो हम बताएंगे कि एक्चुअली हमारे हाथ में कितना इंटरेस्ट आने वाला है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे 600 नहीं ले रहे हैं सर, ठीक है, 600 नहीं ले रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इन केस ऑफ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स ऑफ बैंक्स, व्हाट आर द अदर लेजर्स टू बी मेंटेन्ड अपार्ट फ्रॉम जर्नल लेजर, बताइए। जब आप लोग बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक्स की, तो इसमें जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो जर्नल लेजर तो हमको पता चल गया, बट व्हाट अदर टाइप ऑफ लेजर्स वी हैव टू मेक, कौन से अदर टाइप के लेजर्स हमें बनाने पड़ते हैं, बताइए। ऑप्शंस दिया है, ए क्लियरिंग रजिस्टर, ड्राफ्ट रजिस्टर, बी लेटर ऑफ क्रेडिट रजिस्टर, सेफ डिसऑनर्ड चेक्स रजिस्टर, या सी करंट अकाउंट लेजर, FD अकाउंट्स लेजर, लोन लेजर, या डी नन ऑफ द अबाउ, बताइए। देखिए दोबारा अगर आपको क्वेश्चन पे डाउट आता है कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, तो एक तो ध्यान रखिएगा आपको क्या पूछा जा रहा है, एक तो लेजर जो जनरल लेजर बनते हैं वो तो ठीक है, हमको इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि अदर लेजर्स क्या होते हैं, अदर टाइप ऑफ लेजर्स कौन से हमें मेंटेन करने रहते हैं, हमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए कि अगर किसी में भी लेजर वर्ड आ रहा है तो ऑप्शन तो वही होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में जाएंगे, इसके ऑप्शंस में देखेंगे, तो या तो नन ऑफ द अबाव होने वाला है, ठीक है, या फिर सी होने वाला है, या तो आपका नन ऑफ द अबाव होने वाला है या तो सी होने वाला है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे तो देखेंगे कि बैंक की बात करी जा रही है, बैंक में अदर लेजर्स क्या हो सकते हैं, वो होते हैं आप लोगों के ऑप्शन सी, ठीक है। ये सब तो रजिस्टर्स की बात करी जा रही है, ये अदर चीजें, ये इसकी बात नहीं करी जा रही। यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर है सी, ना कि डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये अदर फॉर्म्स के लेजर हैं जो हमको बैंक में बनाने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम जर्नल लेजर। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ गया है सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू रिकॉर्ड एनालाइज एंड क्लासीफाई ऑल एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस। अच्छा, ये हमें कोई क्लाइंट दी हुई है, आइए सेकंड पढ़ते हैं। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस और डिपार्टमेंट। अच्छा, थर्ड लाइन भी दी हुई है एक, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें तीन अलग अलग लाइन्स दी हुई है, क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशंस में हम क्या पढ़ के आते हैं, ये आप लोगों का पूरा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, पूरा थ्योरी बेस्ड है। याद रखिएगा किसकी बात करी जा रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब मॉड्यूल डी में आपने पढ़ा है ना कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसमें से ये कॉस्ट अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशंस पूछे जा रहे हैं।
और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप उनको चूज करना है, वो है वन या टू, बी में सेकंड या थर्ड, सी में फर्स्ट या थर्ड, डी में ऑल द अबव। बताइए विच इज द राइट आंसर। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ए और ये हम कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, बट जब बात आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस लिए, फॉर यूजफुल मैनेजमेंट के लिए, तो ये होता है आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, करेक्ट। मैनेजमेंट के लिए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं तो वो होता है हम लोगों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइक दूसरा ले लीजिए ना। चलिए बताइए जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। चलिए जल्दी से बता दीजिए आप लोग ये वाला आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए सिंपल है, यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है। प्लूटो प्राइवेट लिमिटेड में इनकॉर्पोरेट कर रहा है 14 जुलाई को, मार्च प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हो रही है 20 मार्च को, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या होता है, जो भी हम लोगों की फर्स्ट जनवरी के पहले इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका जो फॉलोइंग ईयर है वही उसका एंडिंग बन जाता है, बट इन केस अगर फर्स्ट जनवरी के बाद कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका जो क्लोजिंग ईयर आता है वो इसके और सब्सिक्वेंट आपके फाइनेंशियल ईयर में फॉल हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ये वाला ऑप्शन के लिए आपका सेकेंड आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अब केस स्टडी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन होगा, एक पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन होगा और उसके ऊपर बेस्ड आपसे चार से पांच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरली चार होते हैं, बट अगर एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर ले तो उसमें हमें, हमारे लिए तो बेनिफिट है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सेल्स, या फिर आपको यहाँ पे टर्नओवर वर्ड भी मिल सकता है, ये दोनों नाम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, ठीक है। इन्वेंट्री यानी हमारा स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक, जो हमारे गुड्स अभी तक बिके नहीं है, ठीक है, वो है 15,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। इनका नेचर सेम है क्योंकि दोनों क्रेडिट से रिलेटेड है ना, ये वो दोनों है जिनको हमने क्रेडिट सेल की है, तो इनको ऑल टुगेदर हम बोल देते हैं कि व्यापार करने से जो पैसा आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज हमें दी हुई है। करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, ये वो ऑब्लिगेशन है जो हमें 12 महीने के अंतराल पे पे करनी है, यानी ये वो ऑब्लिगेशन है जिनको हम विद इन 12 मंथ्स है ना रीपे कर देंगे टू द कंसर्न पर्सन। देन लैंड एंड बिल्डिंग हमारा असेट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हमारा असेट हो गया, फर्नीचर हमारा असेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और हमसे बोला है कि आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको यूज करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैटेगरी में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न, ये सारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब आते हैं, ठीक है। देन पीई रेशियो, अर्निंग पर शेयर, ये सब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी में आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमारे चार क्लासिफिकेशन है रेशियो के, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये किसमें आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में। कई बार ये लोग इजी क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में आएगा, है ना, किस क्लासिफिकेशन में आएगा। नाउ इसको सॉल्व करके देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का पहले हमें निकालना है फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब हमें यहाँ पे वैसे तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना क्योंकि क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी है, बाई चांस अगर नहीं दिया हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करना होगा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और माइनस करना पड़ेगा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 50,000 दिया हुआ है, सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 1,00,000 दिया हुआ है, इनटू 100। ये इसका कैलकुलेशन इतना इजी है कि आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। तो आंसर हो गया 50%। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको निकालना है करंट रेशियो। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है करंट रेशियो। मीनवाइल जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं आपको करंट रेशियो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। ये किस क्लासिफिकेशन में आता है? दिस इज क्लासिफाइड अंडर द हेड लिक्विडिटी रेशियो। ये किस हेड में आता है? ये लिक्विडिटी रेशियो के हेड में आता है। ठीक है, इस लिक्विडिटी रेशियो को हम एक और नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। हम इसको एक और नाम जो देते हैं ना, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और करंट रेशियो का आपको डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? करंट रेशियो निकालना है। मैंने आपको बताया कि करंट रेशियो क्लासिफाइड किया जाता है लिक्विडिटी रेशियो के हेड में, राइट? सो लिक्विडिटी रेशियो या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में आता है हमारा करंट रेशियो। और इसमें बेसिकली दो आते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। नाउ करंट रेशियो में हम बात करते हैं 12 महीने की। ठीक है, कि विद इन 12 मंथ्स हमें कितना कैश मिल जाएगा, कितने पैसे को हम लिक्विड कर सकते हैं, और 12 मंथ्स में ही हम कितनी हमें ऑब्लिगेशन पे करनी होगी। तो हमारा लिक्विड फंड और ऑब्लिगेशन का रेशियो इज करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमें कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे निकालना है, क्योंकि करंट एसेट तो हमें नहीं दिया। तो पहले समझते हैं करंट एसेट क्या होते हैं। सी, करंट एसेट वो है जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन 12 मंथ्स। यानी अगर 12 महीने का आपको समय दिया जाए, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, दैट इज कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट। ठीक है, करंट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन जो हमें पे करनी होती है, बट बेस्ट पार्ट है इसकी क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर हमें पता है 40 है, बट करंट एसेट हमें निकालना होगा। अब इसमें ऐसी क्या क्या चीजें आती है, मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। करंट एसेट में आपका डेटर्स आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं, कैश आएगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस आएगा, ठीक है, स्टॉक आएगा, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपने किया हो वो आएगा, कुछ अगर आपने एडवांस टैक्स वगैरह पे किया हो वो आएगा। ठीक है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? करंट एसेट में। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, और है इन्वेंट्री है विच इज 15,000, तो हम यहाँ लिख देते हैं 15,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल। मैंने आपको बोला था डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल को हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, तो ये भी आएगा 27,500। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश और बैंक का बैलेंस आपको दिया हुआ है विद द नेम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज 17,500। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बस। तो अगर हम इसका टोटल करें तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 15,000 प्लस 27,500 प्लस 17,500 डिवाइडेड बाय 40,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5:1। अगर ये कभी आपको परसेंटेज में दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि करंट रेशियो हमेशा परसेंटेज में नहीं आता, रेशियो के फॉर्म में आता है, प्रोपोर्शन रेशियो के फॉर्म में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1.5:1। यानी अगर आंसर को हम यहाँ पे ऑप्ट करें तो दिस विल बी नन ऑफ दीज, और राइट आंसर हो जाएगा 1.5:1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या क्या ऐड करा है, जितना भी ब्लू से सिलेक्टेड है वो क्या है, हमारा करंट एसेट। ठीक है, और जो रेड से है वो हमारी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्विक रेशियो। आपको क्या करना है,
क्विक रेशियो निकालना है। नाउ क्विक रेशियो क्या है, कौन से हेड में क्लासिफाई होगा, अगेन ये क्लासिफाई होगा लिक्विडिटी रेशियो में, दिस विल कम अंडर द हेड लिक्विडिटी रेशियो, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इनको हम एक और नाम देते हैं एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। क्विक रेशियो के अगर हम नाम की बात करें तो इसके कई नाम हैं, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी नहीं लिक्विड रेशियो, ठीक है। अब क्विक का मतलब क्या होता है, यहां पे क्विक का मतलब होगा कि करंट रेशियो में तो आपको जो टाइम पीरियड लग रहा था, टाइम फ्रेम लग रहा था, वो लग रहा था कितने महीनों का, 12 महीने का, ठीक है। क्विक रेशियो पे यहां पे हो जाता है कि जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 6 मंथ, तो जितने भी ऐसे एसेट हैं जिनको आप विद इन 6 मंथ कैश में कन्वर्ट कर पाते हो उन्हें हम बोलते हैं क्विक एसेट। और इन क्विक एसेट का कंपैरिजन जब हम करंट लाइबिलिटी से करते हैं, राइट, तो ये बन जाता है हमारा क्विक रेशियो, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रेशियो जो बोला जाता है दैट इज 1:1, मोर देन इनफ होता है 1:1, राइट, ये स्टैंडर्ड है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना रेशियो अचीव कर लिया तो दैट इज गुड इनफ, ठीक है। अब क्विक रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्विक एसेट चाहिए हो, ठीक है। क्विक एसेट निकालते हैं, उससे पहले देख लेते हैं हमारा करंट एसेट का टोटल कितना आ रहा था। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या आता है, करंट एसेट माइनस ऐसे हमारे एसेट, करंट एसेट जिन्हें हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते इमीडिएटली, उसके अंदर क्या आता है हमारा इन्वेंट्री। वैसे इन्वेंट्री हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाते हैं, एडवांस टैक्सेस हो जाते हैं जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ क्विक एसेट निकालने के लिए आपको करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करनी पड़ेगी, अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो भी माइनस होगा, ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही चाहिए और एडवांस टैक्स, ये तीन आपको माइनस करने पड़ते हैं। क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जाम में इन्वेंटरी पूछा जाता है, बट अगर बाकी दो भी दिए हो तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। अब यहाँ पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितना दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो हमारा करंट एसेट का टोटल आया था पहले 15,000 प्लस 27,500 प्लस 17,500, टोटल था हमारा करंट एसेट का 60,000, ठीक है। जिसमें से इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री है हमारी 15,000, करेक्ट। तो अगर हम इसमें से 15,000 माइनस कर दें तो हमारा क्विक एसेट कितना बचा, 45,000, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी हमें पता ही है, तो क्विक एसेट हो गया हमारा 45,000, करंट लाइबिलिटी हो गई हमारी 40,000। ये एग्जाम मतलब क्वेश्चन में हमें एसेट दी हुई है, ये हमने निकाल लिया है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमने करके दे दी है क्विक एसेट की। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दू तो मेरा आंसर आ रहा है 1.125:1, यानी कहीं ना कहीं मैं इसको देखू तो ये 1.13:1 हो गया राउंड ऑफ करने के बाद। आंसर नन ऑफ दीज, और इसका राइट आंसर राउंड ऑफ करने के बाद आप इन दोनों में से जो ऑप्शन है टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम नन ऑफ दीज टिक कर देंगे जैसे अभी हमने करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। जब तक आप कैलकुलेशन शुरू करते हैं मैं तब तक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जहां पर भी आपको टर्नओवर वर्ड दिख रहा है ये आता है एक्टिविटी रेशियो की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ये कहां पे आता है, एक्टिविटी रेशियो की कैटेगरी के अंदर आता है। बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी ही सेल्स होती है, राइट। इसके अंदर आने वाले सारी रेशियोज एक्टिविटी रेशियो जो भी टर्नओवर पे बेस्ड होते हैं दे आर कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर का एक और नाम होता है सेल्स, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज जो सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बिजनेस के ऑपरेशन से यानी सेल से हमें क्या इनकम आई, दैट इज कवर्ड अंडर दैट इज कॉल्ड एज सेल्स।
अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो की क्लासिफिकेशन में आते हैं। हमें ये रेशियो बताता क्या है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि हमने कितने एफिशिएंटली अपने असेट का यूटिलाइजेशन करा, राइट? कितने अच्छे तरीके से हमने हमारे असेट का यूटिलाइजेशन किया है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? टर्नओवर हमेशा न्यूमरेटर में होता है, कोई भी रेशियो हो ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में हमेशा, जहां पे भी टर्नओवर रेशियो दिख रहा है टर्नओवर न्यूमरेटर में रहेगा, और डिनोमिनेटर में उससे आगे जो वर्ड लगा हुआ है वो होगा, जैसे फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब हमें रिवेन्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 1,00,000 रुपए, तो वो हमने डायरेक्टली लिख दिया 1,00,000 रुपीज। अब हमें फिक्स्ड एसेट देखना है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों हमारे फिक्स्ड एसेट है जिनको हम बिजनेस में रखना चाहते हैं 1 साल से ज्यादा। अगर मैं इसका टोटल करूं 60, 70, 80, 90, 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1,00,000, ठीक है। यहां पे क्लासिफिकेशन गलत दिया हुआ है, दिस शुड बी इन टाइम्स, राइट? ये कितना है? 1 टाइम, यानी हमने जितने के एसेट खरीदे हम उतने के ही सेल कर पा रहे हैं, है ना। अभी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है, बट ऑब्वियसली विद टाइम इंप्रूव हो सकती है। अभी आपने जितना असेट का कॉस्ट है उतने का ही आप प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो उस असेट से। एफिशिएंट है, बट हाँ और एफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगेन देखिए, एक और टर्नओवर दिया हुआ है। जब भी टर्नओवर दिया होता है, टर्नओवर मतलब किसका क्लासिफिकेशन में आएगा? एक्टिविटी रेशियो के कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? एक्टिविटी रेशियो की क्लासिफिकेशन में आएगा। नाउ ये बात कर रहा है इन्वेंट्री की, यानी अनसोल्ड गुड्स के बारे में। ये बात किसकी कर रहा है? अनसोल्ड गुड्स की बात कर रहा है कि अनसोल्ड गुड्स का रिलेशन विद टर्नओवर। नाउ डू रिमेंबर, जब भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है तो फॉर्मूला बदल जाता है और सेल्स की जगह हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसका रीजन क्या है? सी, इन्वेंट्री जो होता है आपका, ये रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। अगर हम सेल ले लें तो सेल क्या होता है? विद प्रॉफिट, तो ये मैच नहीं करेगा। अगर सेल में से मैं प्रॉफिट निकाल दूं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज हटाना है क्योंकि इन्वेंट्री भी आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हो, जिससे दोनों का बेस सेम हो जाएगा। अब सेल्स हमारी है 1,00,000, अगर इसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं, विच इज 50,000, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 50,000। एवरेज इन्वेंट्री हमें दी हुई है कितनी? सी, इन्वेंट्री के केस में यहाँ पे ओपनिंग हमें दी नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग दी है, तो हम इसे एज इट इज ले लेंगे। तो 50,000 को अगर मैं डिवाइड करूं 15,000 से, तो कितना टाइम्स हो जाएगा? दिस विल बी 3.33 टाइम्स, यानी कि नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.33 टाइम्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है? सेल्स में से जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को हटा देते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी एक फॉर्मूला था, बट इसकी हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहां पे हमें इससे रिलेटेड डिटेल्स नहीं दी हुई, राइट? अगर डिटेल्स दी होती तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते। एक और फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हमें सेल्स भी दी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को चूज किया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो मैं आपको देना चाहती हूँ होमवर्क, ये एडिशनल क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, जहां पे आपसे बोला है कि एक कंपनी की कैपिटल 10,00,000 है, उसका टर्नओवर यानी सेल्स 3 गुना है। कैपिटल पे जो मार्जिन ऑन सेल है 3 गुना है कैपिटल का, मार्जिन ऑन सेल 6% है, आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।